फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ एन इंडियन लेडी। मैं हूँ आपकी अमिता। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ओवरऑल टैबलेट के बारे में। जी हाँ, ये टैबलेट हमारे इंडिया पे बहुत प्रचलित है। इंडिया में 90% डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करते हैं। किस लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बट हाँ, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आगे। फ्रेंड्स, चलिए ये टैबलेट के हम आपको यूजेज के बारे में बता देते हैं। ये टैबलेट मैंने खुद एक साल तक इस्तेमाल किया था। मैंने यूज किया था क्योंकि मुझे मेरा प्रेगनेंसी प्रिवेंट करना था। जी हाँ, मुझे बच्चा जब नहीं चाहिए था तब मैंने ये टैबलेट इस्तेमाल किया था। मैंने ये टैबलेट प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए किया था। बट हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां है, बहुत सारी ऐसी हेल्थ इश्यू है जिसके लिए ये टैबलेट यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पीसीओसी है, पीसीओसी के लिए ये टैबलेट यूज किया जाता है। और अगर आपको सिस्ट है तो सिस्ट को छोटा करने के लिए भी ये टैबलेट यूज होते हैं। बट हाँ, सिर्फ ओवरऑल टैबलेट से आपका पीसीओसी या सिस्ट ठीक नहीं होगा। उसके साथ भी डॉक्टर बहुत सारे मेडिकेशन देते हैं। बट हाँ, उसके साथ आपको ये टैबलेट भी देते हैं जो आपका सिस्ट कम करने के लिए, सिस्ट छोटा होने के लिए आपको हेल्प करता है। प्लस अगर आपको पीसीओसी का इश्यू है वो भी आपका कई हद तक ठीक कर देता है। ये टैबलेट अपना प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया है, यहाँ पे आपको 21 टैबलेट मिलेगा एक पैकेट में। आपको वो टैबलेट डेली डिनर करने के बाद लेना पड़ता है। इनकेस अगर आप भूल जाते हो कोई भी रात डिनर करने के बाद, तो आपको ये टैबलेट दूसरे दिन लेना पड़ता है। सुबह जैसे ही आपको याद आ जाए उसके बाद रात को आप जैसे कंटिन्यू टैबलेट लेते हो वैसे ही आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। आप एक दिन में दो बार ये टैबलेट ले सकते हो इनकेस अगर आप पिछले दिन भूल जाते हो। जैसे ही आप 21 दिन टैबलेट लेना खत्म हो जाता है उसके ठीक 3 या 4 दिन पे आपको पीरियड्स आ जाता है। जी हाँ, 3 या 4 दिन या मैक्स टू मैक्स 1 या 1.5 हफ्ते के अंदर आपको पीरियड्स आ जाता है। उस पीरियड्स में जैसे ही आपका चालू होता है उसके ठीक 5वें दिन, जी हाँ 5th डे में, चाहे आपका पीरियड्स कंटिन्यू रहे, क्योंकि बहुत लोगों का कभी 3 दिन, कभी 4 दिन, कभी 5 दिन, कभी कभी 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते तक पीरियड्स चलता है। बट दैट डजेंट मैटर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही 5वें दिन पे पहुंचता है आपको ये टैबलेट वापस लेना चालू करना पड़ेगा डिनर करने के बाद। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जैसे हम लोग फास्ट में ये टैबलेट ले सकते हैं कि नहीं, जैसे हम लोग कुछ खाते नहीं है व्रत के टाइम। जी हाँ, ये टैबलेट आप अपने दूध के साथ ले सकते हो, उसमें कोई ज्यादा मेजर इफेक्ट करता नहीं है। तो अगर आप फास्ट में हो तो ये टैबलेट आप ले सकते हो। तो चलिए बात करते हैं ओवरऑल टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, आप जैसे ही ये टैबलेट लोगे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, जैसे कि आपको वॉमिटिंग आना, थोड़ा बहुत चक्कर आना, नौजिया फील होना, थोड़ा बहुत हेडेक, ये सब कॉमन है आपको आप ये टैबलेट जब लोगे। बट ये सारे साइड इफेक्ट आपको 1 या 1.5 हफ्ते तक ही होता है। जैसे मुझे ये 4 या 5 दिन ही हुआ था, उससे ज्यादा उसके बाद ये मुझे और कुछ इफेक्ट आया नहीं। बट अगर ये टैबलेट लेने के बाद आपको अगर ईचिंग हो रहा है, कहीं इरिटेशन हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसर्न कीजिए। मेरे दोस्त ने एक सवाल पूछा था, क्या ओवरऑल टैबलेट हम 3 या 4 साल से ज्यादा यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ओवरऑल टैबलेट में एक जो मेजर साइड इफेक्ट है मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगी। अगर ये टैबलेट आप सोच रहे हो 3 या 4 साल से ज्यादा अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आप, मैं सजेस्ट करूंगी आप ये इस्तेमाल नहीं करो। जी हाँ, 3 या 4 साल से आप ये इस्तेमाल नहीं करो। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, फिर आप कंटिन्यू कीजिए कोई दूसरा दवाई या कुछ और। बट ये दवाई अगर आप 3 या 4 साल से ज्यादा करते हो तो आपका हेल्थ इश्यूज आ सकती है, आपको बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये दवाई सेफली आप 3 या 3.5 साल तक ही इस्तेमाल कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है लाइक करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप कमेंट पे मुझे बेझिझक पूछ सकते हो। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो में यही पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल। बाय बाय।